अपमानजनक है, उन्हें बोलने नहीं दिया। ये पूरे विपक्ष का अपमान तो करने पे आमादा है ही, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सबको जेल में भेजते हैं, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जेल में भेजते हैं। तो ममता जी का जो बयान है वो 100% अपनी जगह सही है, और इसीलिए कल भी जब आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने आपको ये बात कही थी कि जब संसद में विरोध हुआ कि राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है बजट में, कई राज्यों का नाम तक नहीं लिया गया, कोई धन आवंटित नहीं किया गया जिस हिसाब से उनको जरूरत थी, तो ये भेदभाव के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसमें टीएमसी भी शामिल हुई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर आज वो गई हैं तो इसके पीछे सच्चाई जानने का उनका मकसद हो सकता है। वो गई, सच्चाई से रूबरू हुई और उन्होंने आके जो वक्तव्य आपके सामने दिया है वो सच्चाई है।